सुपरस्टार, एक शहंशाह और कई वेटरन्स। ये है रजनीकांत और दीपिका पादुकोण की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म कोच अधियन का म्यूजिक लॉन्च रेड कार्पेट, जहां बिग बी अमिताभ दिखे विद फैमिली अलोंग विद रजनीकांत एंड फैमिली टू। क्या आए हैं, हमको बहुत एक्साइटमेंट है, आपको ज्यादा एक्साइटमेंट है, एंड वी आर वेरी हैप्पी। रजनी इज अ फैमिली फ्रेंड एंड आई ऑलवेज विश हिम द बेस्ट। आई एम वेरी हैप्पी दैट हिज डॉटर इज डायरेक्टिंग दिस, एंड ही इज वेरी प्राउड ऑफ दैट। Thank Amit ji, accepting our invitation at this production. He's always been like this, humble and very down to earth. That's the best quality. Thank you so much. Kajol wasn't complete awe of Rajnikant. So I am a huge fan and I support him completely. I think he's awesome. और अनुपम खेर, जिन्होंने यहाँ शेयर किया उनका रजनीकांत के साथ एक पुराना इंसिडेंट, जब रजनी सर उन्हें एक बार हॉस्पिटल ले गए थे। आई हैव डन चालबाज एंड आई हैव डन टू मोर फिल्म्स विद हिम। आई थिंक फैंटास्टिक मेमोरीज। वंस आई वाज वी वर डूइंग अ सीक्वेंस, तो मैं गिर गया था और सिली जी भी गिर गई थी, तो मेरे टांग के अंदर एक शीशा चला गया था। तो इन्होंने मुझे कहा कि हॉस्पिटल लेने चलते हैं, तो उन्होंने कहा मैं अपनी गाड़ी में चलता हूँ। तो वाइट कलर की फीट में हम जब एबीएम स्टूडियो से बाहर निकले तो बहुत भीड़ थी, ट्रैफिक था, बिकॉज 5 बजे और मेरे शीशा लगा हुआ था। तो ये गाड़ी से 1 सेकंड के लिए बाहर निकले और 2 मिनट के अंदर सारा रास्ता साफ हो गया और ये मुझे सीधा हॉस्पिटल ले गए। आई थिंक दैट्स द मैजिक ऑफ रजनीकांत। एंड मूविंग ऑन टू द अदर गेस्ट, देयर वाज सुधीर मिश्रा, रसूल पुकटी एंड फैमिली एंड अ फ्यू मोर। लेकिन फिल्म की लीडिंग लेडी दीपिका पादुकोण यहाँ कहीं नहीं दिखी। वेल, दीपिका के ना आने की वजह भी हम जल्दी पता लगा लेंगे। टिल देन, हियर इज विशिंग देम ऑल द बेस्ट फॉर दिस फिल्म।